Hello, welcome all. This is from Vigya Vastu and Astrology, Shikha Makija. Today we are continuing with our series of Guru Purnima series, and today we have with us again Dinesh Yadav. Namaskar, sir. Namaste, Shikha ji. Namaste, all of you. Sir, so aaj ka topic kya hoga? आज का जो विषय हमने लिया है बहुत ही आसान विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और मैंने हमेशा लोगों को गलती करते हुए देखा है इस विषय को समझने में। आज का हमारा जो विषय है वो है स्वराज की ग्रहों को लेकर के। ज्यादातर क्या होता है, लोग बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग जब भी कोई स्वराशि का प्लेनेट देखते हैं तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, ये स्वराशि का प्लेनेट है, बहुत अच्छा फल देगा, ये है वो है। और बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, वो ये हमेशा ये कहते हुए मिलते हैं कि साहब मेरे तो ये केंद्र में है, स्वराशि का प्लेनेट है और मुझे तो इसका कोई अच्छा फल मिला है। तो स्वराशि का प्लेनेट देखिए, जब भी किसी भी कुंडली में आता है तो इसको बहुत महत्वपूर्ण है ठीक से देखना। यदि ये ग्रह शुभ प्रभाव में है, शुभ प्रभाव में त्रिकोणेश के साथ में है या अपने मित्र ग्रहों के साथ में है तो ये आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। लेकिन यदि यही स्वराशि ग्रह एफ्लिक्शन के अंदर हो जाए या इस पे कोई पाप प्रभाव आ जाए तो ये बहुत ज्यादा हार्म करने वाला है। इसका बेसिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ज्योतिष का जो सबसे प्रमुख नियम है वो है भाव, भावेश और कारक। तो अगर कोई स्वराशि का प्लेनेट है तो इसका मतलब वो भाव में ही बैठा हो और वही उसका भावेश। अब यदि वही ग्रह आपका किसी ग्रह से पीड़ा में आ जाए तो इसका मतलब भाव और भावेश आपके दोनों के दोनों जो है एफ्लिक्शन के अंदर आ चुके, तो वो आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट। तीन में से दो चीजें तो एफ्लिक्शन में आई, एफ्लिक्शन में आ ही। अच्छा, कई बार हमने सुना है कारको भावनाशय का सूत्र सुना है, तो उसमें भी यही चीज आती है कि मान लीजिए कई बार कारक ग्रह जो है वो उसी भाव में हो स्वराशि का और वो एफ्लिक्शन में आ जाए, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी तीनों के तीनों चीजें एफ्लिक्शन में आए, भाव, भावेश और कारक। एग्जाम्पल के तौर जैसे हमारे सामने अभी ये जो कुंडली बनी हुई है कालपुरुष कुंडली है, हम लोग सभी जानते हैं कालपुरुष कुंडली को। यहाँ पर आप देख रहे हैं धनु राशि। अब किसी भी कुंडली में धनु राशि का नवम भाव में यदि गुरु हो तो आमतौर पर लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि बहुत अच्छी चीज है, दिस इज अ ग्रेट, और एक्चुअली में ग्रेट थिंग। लेकिन वो ग्रेट तब तक है जब तक उसका जो संबंध है केवल शुभ ग्रहों से बने या मित्र ग्रहों से, अर्थात यदि मंगल से संबंध बन रहा है, सूर्य से संबंध बन रहा है तो दिस प्रेटी गुड, बहुत अच्छा आपको फल प्रदान कर। लेकिन यही धनु राशि के अंदर ही यदि गुरु नवम भाव में राहु से पीड़ित हो गए तो इसका मतलब आपके तीन चीजें इस भाव की, भाव भी आपका डैमेज होगा, भावेश भी आपका डैमेज है और प्लस नवम भाव का कारक भी है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जहां पर व्यक्ति को बहुत अच्छे फल मिलने वाले थे जीवन के, वहीं पर वो तीनों के तीनों एफ्लिक्शन में होने के कारण उसको बहुत ज्यादा फॉर्च्यून के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, धर्म से रिलेटेड जो भी कर्म हो, जो भी घर के अंदर व्यक्ति कर्म करता है, धार्मिक वृत्ति करता है या मान लीजिए घर में शादियां होती है, तो सब में रुकावटें आना एक योग बन जाता है। भाग्य रिलेटेड एंड धर्म रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस भी भाव के अंदर आपका स्वराशि प्लेनेट उस कीजिए, यहाँ पर लिब्रा का आपका वीनस, ओके, राशि कोई से भी आप ले सकते हैं। सपोज कीजिए पुरुष कुंडली है और यहाँ पर वीनस बैठा हो, नहीं राशि के अंदर बैठा हो, तो ये सेवंथ हाउस का कारक भी है फॉर अ मेल चार्ट। तो अगर यहाँ पर यह एफ्लिक्शन के अंदर आ गया तो इसके अंदर व्यक्ति का भाव, भविष्य और कारक तीनों के तीनों एफ्लिक्टेड हो। तो इसका मतलब जो व्यक्ति को सप्तम स्थान के जो मिलने चाहिए थे या वो खुश हो रहा है इसका कि पंच महापुरुष योग बना हुआ है और व्हाटएवर जो भी है, लेकिन वो यहाँ पर व्यक्ति को कोई भी अच्छा फल यहाँ पर प्रदान नहीं। तो इसका मतलब जहां पर भी आपके स्वराशि का ग्रह है वो आप आवश्यक रूप से देखिए कि उसके शुभ संबंध अति आवश्यक। यदि वो ग्रह मैलेफिक है तो जहां वो आपको अच्छा लग रहा है वो उतना आपको फल प्रदान कभी नहीं करता।
तो मेन इम्पोर्टेंट यह है कि प्लैनेट अपना स्व राशि में बैठे हैं, फिर भी उसके ऊपर एस्पेक्ट, कंजक्शन और प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है, और ये डिसाइड करना जरूरी है कि तीन में से कितनी चीजें डैमेज हो रही है रिलेटेड टू दैट हाउस। जी ना सर? देखिए इसको एक एक तरह से और बताता हूं। मान लीजिए जी सर। कि ये स्वराशि के अंदर गुरु, ठीक है, गुरु कहीं और प्लेस्ड है। अब ये भाव के ऊपर आपका राहु का एस्पेक्ट है या कोई भी और मेलेफिक एस्पेक्ट, तो इसका मतलब सिर्फ भाव एफ्लिक्टेड, लेकिन गुरु जब बाहर किसी दूसरी राशि पर बैठा है तो गुरु एफ्लिक्शन में नहीं है, यस भावेश भी एफ्लिक्शन में नहीं है, कारक भी एफ्लिक्शन नहीं है, तो वो प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। सेम वे के अंदर अगर मान लीजिए यहाँ पर शुक्र है या कोई सा भी आप मान लीजिए सेवंथ लॉर्ड जो भी है, आपका सेवंथ हाउस के अंदर आपके कोई मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं या कोई भी मेलेफिक एस्पेक्ट आ रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि विवाह जीवन खराब हो, क्योंकि उसका भाव का जो स्वामी है वो हो सकता है अच्छी कंडीशन में बैठा हो, और अगर वो अच्छी कंडीशन में बैठा है तो विवाह का सुख मिलेगा और उसका कारक भी एफ्लिक्शन फ्री होगा। तो कहने का मतलब है कि जहां पर भी स्वराशि का ग्रह आ जाएगा, और यदि वो अपने कारक भाव में भी हो तो वो तो सबसे वर्स्ट कंडीशन, अगर वहां पर वो शुभ प्रभाव में आ गया तो वो आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा, अदरवाइज स्वराशि का प्लेनेट होने के बाद में भी आपको कुछ फल नहीं मिल रहे, और बहुत से तो लोगों को देख रहे हैं। हाँ बोले, सॉरी, आप कंटिन्यू करें लास्ट। हाँ बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि साहब मेरा तो स्वराशि का शुक्र है, मुझे तो कुछ भी प्रदान नहीं किया, मेरा तो गुरु अपनी राशि में बैठा हुआ है, फिर कोई फल प्रदान नहीं हो रहा, मेरा मालवे जो जो राजयोग पंच महापुरुष राजयोग है, मेरे को कोई फल नहीं मिल रहा। तो एक्चुअली ये रीजन है कि ग्रह स्वराशि का है, इट इज अ प्रेटी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि वो अपने मित्रों से सहयोग प्राप्त कर रहा है तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए, और यदि वो आपके अशुभ ग्रहों से संबंध बनाएगा तो वो भाव भी पीड़ा में देगा और भावेश भी पीड़ा में देगा, और जिस जो भी भाव है आप उस भाव से संबंधित आपको शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और है, दशम भाव एकमात्र ऐसा भाव है कि दशम भाव में यदि स्वराशि का प्लेनेट है और यदि वहां पर मैलेफिक जो बोलते हैं कॉम्बिनेशन भी आ रहे हैं, तो दशम भाव में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दशम के कारक बहुत सारे बताए हैं, अच्छा, ओके। तो दशम भाव एक एक्सेप्शनल केस हम लोग मान सकते हैं इस चीज के अंदर। सर, अगर कोई भी मतलब ना मैलेफिक इन्फ्लुएंस है ना बेनिफिक एस्पेक्ट मतलब इन्फ्लुएंस है, तो फिर कैसे स्वराशि प्लैनेट ना वर्क माय करते हैं? चाह, अच्छा पॉइंट याद दिलाया आप। हाँ ऐसी सर। कंडीशन में कि जहां पर ग्रह के ऊपर कोई भी बेनिफिट का प्रभाव नहीं है या मेलेफिक का प्रभाव नहीं है, उस कंडीशन में उसका नवमांश की स्थिति बहुत ज्यादा आवश्यक है। स्वराशि का ग्रह है, अच्छी बात है, उसमें मेलेफिक नहीं है, लेकिन यदि वो नवमांश में 6/8 के नवमांश में चला जाए, 6/8 की राशि में नवमांश या अपनी स्थिति से 6/8 में चला जाए, तो वो आपको शुभ फल प्रदान नहीं करने। अच्छा, इसका मतलब यह है कि वहां पर हमें नवमांश की स्थिति भी देखना बहुत ज्यादा आवश्यक। सर अगर सपोज एस्पेक्ट है मैलिफिक या बेनिफिक और फिर नवमांश में उसकी स्थिति अच्छी है, तो फिर कैसा प्रभाव होगा? वहां पर देखिए शुभ फल मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर इधर मैलिफिक एस्पेक्ट है लेकिन नवमांश में अच्छे से प्लेस है, तो फिर हाँ अच्छा अच्छा फल मिलेगा। हाँ देखिए उसको एक कंडीशन हो जाती है, उसको एक कंडीशन ये हो जाती है कि जो आपका लगन चार्ट है, प्रारंभिक स्थितियां हो सकती हैं कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करे, ये व्यक्ति जो है जकड़ा हुआ है, वो प्रॉब्लम्स में आ रहा है, किसी एनिमी से परेशान में है, लेकिन उसका जो अंतिम फल है नवमांश में, यदि वो अच्छी स्थिति में पोजिशन में बैठा हुआ है और वो राशि जो है बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है, तो वो आपको फिर फाइनल रिजल्ट है वो आपको शुभ फल प्रदान करे। बट स्टिल एक चीज का हमें फिर भी ध्यान देना, भाव भावेश और कारक यदि तीनों के तीनों लगन चार्ट में ही एफ्लिक्टेड है ना, तो नवमांश में भी अगर वो शुभ है तो अच्छा फल नहीं देगा। बहुत इम्पोर्टेंट है भाव भावेश का, तीनों का रोल वेरी इम्पोर्टेंट। कोई चार्ट देखने के लिए, डेसिफर करने के लिए सर का ये सबसे बेस्ट सेशन था हमारे क्लासेस में, भाव भावेश कारक, हाउ टू डिकोड देम। सो सर ने आज बहुत अच्छा सा आपको रूल बताया है, सीक्रेट वेपन। आई थिंक यू कैन, आप सब लोग इसको जाके परखिए, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स लिखे कि आपके कुछ
कुंडली में अगर स्व राशि ग्रह है, कौन सा ग्रह है, उसके ऊपर कौन से एस्पेक्ट्स है और आपको क्या रिजल्ट्स मिले। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।